शिव ही देवेश्वर महाकालेश्वर, शिव ही परम पिता परमेश्वर कालो। तो गाइस अभी मस्त समुद्र में जो है वो स्नान हो गया है और निकल रहे हैं मणि दर्शन के लिए, जो कि सुबह में ही सिर्फ दर्शन आप कर सकते हो। 5 बजे का उसका मुहूर्त टाइम होता है और 1 ही घंटे दर्शन कर सकते हो। मैं भी स्नान कर लिया हूँ और हमारे सौरभ भाई भी स्नान कर लिए हैं और आगे एक और हमारे भाई सन्नी भाई जा रहे हैं और रूम पास में लिया। और सामने देखिए जो टेम्पल है वो है, हालांकि दिखाई नहीं देगा आपको रात की वजह से। तो आज अपने मंदिर के अंदर आ गए हैं दर्शन करने के लिए रामेश्वरम, और आपको दिखाता हूँ मंदिर कितना पुराने स्ट्रक्चर पर बना हुआ है। हालांकि अंदर जो है वो मोबाइल अलाउ ज़्यादा है नहीं, बट मैं लेकर आ गया हूँ तो सोचा वीडियो बना ही देता हूँ। गाइस ये वाले स्ट्रक्चर देखिए आप, कितनी पुरानी स्ट्रक्चर है। गाइस ये देखिए पूरा मंदिर का कितना पुराना स्ट्रक्चर है, आपको वो देखने को मिलेगा। ये रामेश्वरम टेंपल के अंदर का नज़ारा आप देख रहे हो गाइस। तो गाइस ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है, यहीं पे रामनाथम स्वामी टेंपल है, जिसमें सिर्फ यानी शंकर भगवान का टेंपल है। तो गाइस दर्शन तो हो गया अपना भोलेनाथ का, और रामेश्वरम मंदिर बहुत ही प्यारा मंदिर है। अगर आप यहाँ पे दर्शन करने आते हो तो थोड़ा टाइम लेकर आए और अच्छे से दर्शन करें। तो गाइस ये देखिए मंदिर के अंदर का नज़ारा है, और देखिए कितना प्यारा ये नज़ारा आपको दिख रहा होगा। तो गाइस स्नान करने के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो यहीं से बाहर निकलना होता है, और उस साइड में जो है वो कपड़ा चेंजिंग करने का आपको रास्ता दिख जाएगा, तो वहां पे चेंजिंग करके फिर आपको दर्शन करने को मिलेगा। तो गाइस अभी रामेश्वरम के मैं उस गेट पे आया हुआ हूं जहां से आप 22 तीर्थम का स्नान करके जब आप बाहर निकलोगे तो इसी गेट से आप बाहर निकलोगे। ये जो है वो साउथ वाली गेट है, इसके ठीक अपोजिट में नॉर्थ गेट है जहाँ से आप एंट्री करोगे स्नान करने के लिए, जहाँ पे आप 22 कुंडों का स्नान करोगे, 22 तीर्थ स्थान का आप स्नान करोगे, और फिर इसी जगह से आप बाहर निकलोगे। या तो आप कपड़े लेकर आए हो तो चेंजिंग करके आप बाहर निकलोगे, और आगे ईस्ट वाली जो गेट है मैं वहाँ पे भी आपको लेकर चल रहा हूँ, वहाँ से एंट्री करके आप श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग का दर्शन करोगे, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे आखिरी और सबसे उच्चतम श्रेणी में कहे जाने वाले रामेश्वरम का जो शिवलिंग है उनके दर्शन करोगे आप। तो चलिए मैं आप सबको लेकर चल रहा हूँ ईस्ट वाली जो गेट है जहाँ से आप लोग एंट्री करोगे दर्शन के लिए, उस जगह पे लेकर चल रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी प्रसाद ग्रहण करने के लिए कूपन मिल गया है यहाँ के लिए, और ये देखिए टाइमिंग जो है वो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। ये हॉल के अंदर जो है वो प्रसाद के लिए बनाया गया है। तो गाइस अभी मैं उस जगह पे आया हुआ हूँ जहाँ से आप स्नान करके मंदिर दर्शन के लिए जाओगे, इसे जो है वो अग्नि तीर्थम बोलते हैं। और आप जो मेरे पीछे ये नज़ारा देख रहे हो, यहीं पे राम जी जो है वो स्नान करके जब रावण का वध किए थे तो इसी जगह पे स्नान करके
और आगे शिवलिंग की स्थापना किए थे और वहाँ पे पूजा किए थे। तो आप जब यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले आपको इसी समुद्र में स्नान करना पड़ेगा। और ये अग्नि तीर्थम एक जगह है जो कि कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये देखिए ये लोकेशन आपको अग्नि तीर्थम में ही दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे स्नान करोगे और इस जगह पे स्नान करने के बाद समुद्र का पानी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पानी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल क्लीन पानी आपको दिखेगा। और यहाँ से स्नान करने के बाद फिर आप मंदिर दर्शन के लिए जाओगे। हालांकि सुबह में जो है वो आप अगर जल्दी यहाँ पे पहुँचते हो तो एक पारदर्शी जो रेती से बना हुआ शिवलिंग था, वो शिवलिंग का दर्शन जो है वो सुबह एक ही घंटे के लिए की जाती है, करवाई जाती है जितने भी श्रद्धालु आते हैं। और उसका जो चार्जेस होते हैं वो 50 रुपये, आप अगर नॉर्मल लाइन से जाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। और वही आप VIP दर्शन करना चाहते हो तो आपको 200 रुपये जो है वो शीघ्र दर्शन के लिए पे करने पड़ेंगे। उसमें जो है वो ट्रांसपेरेंट आपको दिखेंगे जो शिवलिंग है, बहुत छोटा सा शिवलिंग, इतना सा साइज का शिवलिंग दिखेंगे। और 6 बजे के बाद जो दर्शन होंगे वो ओरिजिनल जो शिवलिंग जो है वो आपको दिखेंगे। हालांकि मैंने वीडियो भी निकाला है तो वो वीडियो क्लिप आपको दिख जाएंगे, बट ये जगह मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आप इस जगह पे आओगे तो यहीं आपको समुद्र में जो है वो स्नान करना पड़ेगा, जैसे लोग अभी स्नान कर रहे हैं। और शाम का जो ये लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे उसके लिए स्नान करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम पे मंदिर जो है वो बंद हो जाते हैं। सुबह में 5 बजे से मंदिर चालू होते हैं और 1 बजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान को भी थोड़ा सा विश्राम कराया जाती है, उनको विश्राम करने के लिए छोड़ा जाता है। उसके बाद वापस शाम को जो है वो मंदिर 5 बजे से शुरू होती है और वो 9 बजे 10 बजे तक के मंदिर ओपन रहता है श्रद्धालुओं के लिए। तो ये कुछ जानकारी रहा अग्नि तीर्थम को लेकर। यहाँ पे अगर आप पिंडदान, गौदान, ये सर्प शांति, नवग्रह शांति ये सब आप करवाना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्राइस वगैरह दिख जाएगा। तो आप ये सारे पूजा यहाँ पे करवा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे पंडा होते हैं जो आपको यहाँ पे पूजा करवा देंगे, इसी जगह पे जो है वो बैठेंगे सुबह के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे, और आपके जितने भी पूजा की चीज़ें हैं, कार्यक्रम है, वो आपको यहाँ पे करवा देंगे। चलिए आगे और भी घूमते हैं और आप सबको भी साथ में घुमाते हैं। तो गाइस श्री सैलम में अपना जिस तरीके से रूम लिया था उसी तरीके से यहाँ पे भी रामेश्वरम में भी अपन रूम ले लिए हैं 2 बेड वाले। और ये होटल का कुछ नज़ारा है नीचे का, रिसेप्शन का, आप धर्मशाला भी बोल सकते हैं एक साइड से। और मुझे थर्ड फ्लोर पे मिला है। और हमारे साथ में भाई साहब में रूम वगैरह तो देख लिए हैं और आप सबको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको रूम मिल जाएगा। मंदिर के गेट के ठीक सामने ही मिला है, तो चलिए आप सबको लेकर चलता हूँ मैं गेट के पास। और एक चीज़ है यहाँ पे अच्छी, क्योंकि यहाँ पे पीने का पानी नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। और ये देखिए भाई साहब जो है होटल में आपको हर फ्लोर पे इस तरीके से पानी का बिस्लरी का बोतल जो है वो मिल जाएगा आपको। और अपना रूम इधर ही है, इधर रूम है अपना। चलिए भाई साहब रूम थोड़ा खोलिए। व्यू गाइस, मैं व्यू आप सबको दिखाता हूँ, क्या खतरनाक वाली व्यू है, बिल्कुल समुद्र वाली व्यू है। और ये देखिए नज़ारा, गैलरी से ही हवा आना शुरू हो गई। ये देखिए रूम वाले आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, लाइट ऑन करना, तो ये अपना रूम है। और हाँ, 2 बेड दोनों भाई के लिए। और गाइस इधर चेकआउट करो आप नज़ारा, ये देखो आप, ये डायरेक्ट समुद्र वाली व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये नज़ारा के लिए हमने ये बेडरूम लिया है, बेडरूम ठीक ठाक है। बाथरूम में आपको दिखा देता हूँ, बाथरूम भी नीट एंड क्लीन है, सामने मिरर है। और ये वेस्टर्न टॉयलेट, तो सिंगल रूम ठीक ठाक है। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस वही 700 पड़ा है 24 आवर का।
हालांकि ज़्यादा करके होटल का चेकआउट का क्या होता है कि आपको 11 बजे चेकआउट करना होता है, बट अपने केस में अभी हम शाम को यहाँ पे पहुँचे हैं और नेक्स्ट डे जो है वो शाम को ही हम चेकआउट करेंगे। हालांकि मैं कल ही पहुँचा था, लेकिन मैं दूसरा रूम लिया हुआ था और हमने काफ़ी रामेश्वरम घूमा फिरा, उसके बाद उसको चेकआउट किया क्योंकि उसका थोड़ा सा कंडीशन सही नहीं था। फिर हमने नया रूम लिया और ये रूम काफ़ी पसंद आया। और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सी व्यू वाली जो रूम है वो आप ले सकते हो। और ये देखिए हमारे सौरभ भाई सी व्यू एंजॉय कर रहा है। शिव ही देवेश्वर महाकालेश्वर, शिव ही परम पिता परमेश्वर, कालों के भी काल शिव है। पूजा जप तप भक्ति शिव है सृष्टि के। तो गाइस अभी जो नज़ारा आप देख रहे हो ये अग्नि तीर्थम का है और यहाँ पे सुबह सुबह 7 बजे जो है वो लोग आ चुके हैं। हालांकि मेरा दर्शन कल ही हुआ था, तो कल दर्शन होने का एक फ़ायदा है कि कल जो है वो यहाँ पे इलेक्शन थी और जिसकी वजह से भीड़ बहुत कम थी। अभी का भीड़ आप देखिए गाइस कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो चुकी है। और ये सामने जो है वो अग्नि तीर्थम है, यहाँ पे अगर आपको किसी तरीके का पिंडदान हो गया या फिर सर्पदोष हो गया, ये सारी आप पूजा करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे पूजा करवा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।